बार लवकुश रामलीला कमेटी एक भव्य रामलीला होगी और उस भव्य रामलीला के अंदर हमारे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले 100 फुट, 90 फुट और 80 फुट के पुतले होंगे। इस बार जो हमारा मंच होगा वो 180x60 फुट का होगा जो कि 3 मंजिला मंच होगा और रामलीला बिल्कुल हाईटेक रामलीला इस बार देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रामलीला अब गली मोहल्ले की रामलीला नहीं रह गई, जैसा कि मनोज भाई ने बताया था कि तब तो वीर की रामलीला हो गई और आप लोग जो दिखाएंगे वो इमीडिएटली जो है आगे सारी दुनिया के अंदर चली जाती है। तो रामलीला आपके ऐसी दिखाई देगी कि लोग ये कहेंगे कि लवकुश रामलीला कमेटी के लोगों ने सही मायने के अंदर इनके ऊपर प्रभु राम की कृपा है और ये सब लोग इकट्ठे होकर प्रभु राम की महिमा को दिखा रहे हैं और इससे हमारी आने वाली युवा पीढ़ी एक सबक सीख सकेगी और उनको परिवारों को संस्कार मिल सके। सर आपको नहीं लगता कि रोल भी कर रहे हैं, पीसी में भी आए जी तिवारी जी, गाना गाके विपक्ष ने काफी तेज सवाल किया है कि अंग्रेजों के बाद पहली बार सरकार के ऊपर टैक्स लगाने का अनाज के ऊपर वो चीज़ें छोड़ दो आप। देखिए केवट ने राम से कहा था बड़ी चतुराई से, उसको पैर धोना है और राम जी आए हैं भाई पार कर दो, तो रावणों ने कहा सब बातें वो राम जी भी समझ रहे हैं कि केवट बोला रामचंद्र से हंस के मधुरी वाणी, हे बाबू हो रावर मरम हम जानी, अरे अगर न पाँव धोआवल चाह हमसे ना बतियावल चाह, तो यही जा से कुछ दूर उतर जा बाटे कमर भर पानी, ये बाबू हो रावर मरम हम जानी। वो बार बार कहते हैं कि भैया ये तुम्हारे पैर से सुना है कि छुआ के पत्थर नारी बन गई, ये तो लकड़ी है, एक और मेरारू आ जाएगी तो बहुत संकट में पड़ेंगे। केवट को पता है वो बातें बना रहे हैं और राम को भी पता है कि ये इस बहाने पैर धोना चाह रहे हैं, इस भाव को हम दिखाएंगे। थैंक यू बहुत तो वो आपको लवकुश रामलीला में ही देखने को मिलेगा। तिवारी जी एक गाना गा के जो है प्रेस वार्ता को खत्म करें। पहले इनके डायलॉग हो जाए। रामायण में ऐसा देखा जाता है सीता माँ और लक्ष्मण जी की जोड़ी में बहुत ज्यादा बहुत अच्छी है, दिखाया जाता है कि उनका जो मेल मिलाव है बहुत अच्छा लगता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर अभी जैसे कि मनोज जी ने बहुत आज मेरे को मतलब मनोज जी के बारे में ये तो मालूम था कि वो सांसद हैं, अभिनेता हैं, सिंगर हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं जो मुझे आज पता चला। तो ये मुझे बड़ा अच्छा उनके विचार जान के बड़ी प्रसन्नता हुई। तो आपने ये जो प्रश्न पूछा है कि राम जी और सीता जी का, लक्ष्मण जी और सीता जी का जो रिलेशन है, यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे भी नहीं मालूम थी वो चीज़ मैंने ये देखी कि लक्ष्मण जी ने कभी माता सीता का चेहरा देखा ही नहीं था। तो ये पहले ज़माने में भी ऐसा होता था कि भाई अगर आपकी भाभी है, भाभी माँ समान मानी जाती है, तो यहाँ पर उनका रिलेशन एक माँ और बेटे का था और ये बहुत अच्छा संदेश देता है हमारे समाज को कि कैसे आपको अपने बड़ों के प्रति अपना नज़रिए रखना चाहिए। इससे पहले भी आप लक्ष्मण जी का किरदार निभा चुके हैं, तो इससे असल ज़िंदगी में आपका कैसा व्यवहार है? इससे सबसे पहले तो एक साइड इफेक्ट हो गया मेरे साथ कि मैं गुस्से में ही रहता हूँ। अब वो गुस्सा मेरे अंदर आ चुका है, तो लेकिन सीखने को उससे ये मिला कि आपको जीवन में सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए हर समय। आपको जैसे अब हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है कि लोगों को गुस्सा जल्दी आना, ये सारी चीज़ें बहुत गलत चीज़ें होती हैं। तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला रामायण से कि आपको अपने जीवन में आपका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल अर्जुन के समान रहना चाहिए कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो आपको सिर्फ मछली की आँख दिखनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी का पॉजिटिव साइड ये है कि वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने भाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी कि लक्ष्मण जाने ही इसलिए जाते हैं कि उनका जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स राम वो कोई आज तक नहीं दिखा पाया। जैसे रामायण में हमेशा बोला जाता है कि हनुमान जी उनके बहुत बड़े भक्त हैं, हनुमान जी जितने बड़े भक्त हैं उतने ही बड़े लक्ष्मण जी भी भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से, वो चाहते तो अयोध्या में रह सकते थे लेकिन उनका अपने भाई के प्रति प्रेम इतना था उन्होंने भी छोड़ दिया अपना राज्य।